नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गुमला प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश संजय कुमार चंद्रयावी की अदालत ने गुमला जिले में चर्चित सहू साहू के हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया है। इन दोनों दोषी को 7 सितंबर को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया जाएगा। ज्ञात हो कि गुमला थाना क्षेत्र के कोलाबीरा गाँव में 5 फरवरी 2017 को साहू साहू नामक युवक की दो लोगों ने बेरहमी से लाठी और लोहा रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। रांची के गुरु नानक अस्पताल में उनका इलाज कराया गया, जहां स्थिति गंभीर रहने के कारण उसे रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां 11 फरवरी 2017 को इलाज के दौरान साहू साहू की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में पूर्व में धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया था, बाद में 302 के तहत मामला अनुसंधान के बाद दर्ज किया। अनुसंधान के क्रम में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। इस संबंध में लोक अभियोजक अनिल कुमार पांडे ने बताया कि इस मामले में दोनों अभियुक्त उसी गांव के राजकुमार साहू और सहरू साहू को दोषी करार दिया। सजा 7 सितंबर 2022 को सुनाया जाएगा। सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा दो अभियुक्तों राजकुमार साहू और सहरू साहू को धारा 302 के तहत दोषी पाया गया है और सजा के बिंदु पर दिनांक 7/9/2022 की तिथि निश्चित की गई है। गुमला थाना अंतर्गत कोलेबीरा गांव से संबंधित है, जहां पर 5/2/17 को सहू साहू एक वृद्ध व्यक्ति को दोनों अभियुक्तों द्वारा घेर कर लाठी के डंडे और लोहे के रॉड से सिर पर मारकर जख्मी कर दिया गया, जिससे वो बेहोश हो गया और उसके दौरान में ही उसकी दिनांक 11/2017 को रिम्स में मृत्यु हो गई। इसके तहत जो दंड का विधान है वो आजीवन कारावास और फांसी की सजा है। इन दोनों में से कोई एक सजा इन अभियुक्तों को दी जाएगी, जिसमें ज़्यादा उम्मीद है कि इनके आजीवन कारावास की सजा ये दिनांक 7/9/2022 को